IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है श। तो आइए सुनते हैं ये कहानी श से शमीम की शहनाई। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, आज तो सारे बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है, जो हमारे एग्जाम खत्म हुए कल तक निपट जाएंगे। अच्छा, अरे वाह, हमारा स्कूल में पिकनिक लेके जाएगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। भैया हम छुपन छुपाई हम खूब शैतान करेंगे। अरे वो तो तुम करोगे मेरे शैतान बच्चों। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी परीक्षाएं कैसी हुई? भैया बहुत अच्छी। बहुत अच्छी हुई ना? मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया। अरे वाह, अभय का पेपर बहुत अच्छा गया, हिंदी का पेपर। अच्छा गणित का पेपर 1, 2, 3। अरे वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा लिखा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या भैया? जब तुम पढ़ रहे होते हो है, कुछ समझ रहे होते हो, तो जोर जोर से अगर शोर मचने लगे तो कैसा लगता है तुम्हें? सिर दर्द होता है। हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कहा। हमको परेशानी होती है। पढ़ भी नहीं पाते। डीजे की आवाज। अरे हाँ, शादी में डीजे बजता है ना, स्पीकर की, लाउड स्पीकर की। मम्मी खिड़की बंद कर देती है, लेकिन तब भी शोर बंद नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने भाई, इससे बड़ी परेशानी होती है हमें, है सिर में दर्द होने लगता है। शमीम भी इस बात को अच्छी तरह समझता था। भैया ये शमीम कौन है? अरे अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गया, आज का मेरा अक्षर है श। और बच्चों हमारी कहानी का नाम है श से शमीम की शहनाई। शमीम की शहनाई। शाबाश, श से शमीम की शहनाई। तो सुनो बच्चों, एक लड़का था, नाम था शमीम। वो बहुत ही अच्छा कलाकार था, बड़ी अच्छी शहनाई बजाता था वो। अच्छा शहनाई सुनिए कभी? भैया मेरी बुआ की शादी में शहनाई बजी थी। महमूद की बुआ की शादी में शहनाई बजी थी। हाँ तो बच्चों, जब कोई शादी होती है, उत्सव होता है, स्वागत समारोह होता है, तो वहां शहनाई बजती है। तो शा से शादी, शा से शलगम, शा से शीशा। अरे शा से शार्क। अरे हाँ मछली होती है बेटा। शा से शौक, शा से शो, शा से शबनम। रहमान क्या बात है। शा से शांति, शा से शाम, शा से शहनाई। भैया कहानी तो सुनाओ। अरे सुनाऊंगा। सुनो ध्यान से बच्चों, कोई आम आदमी हो, गायक हो, शायर हो, या शक्तिशाली मंत्री हो, शासक हो, हर कोई शमीम को बुलाता और कहता, अरे शमीम भाई, अरे आओ आओ, अरे शहनाई बजाओ भाई, शहनाई बजाओ। तो शा से शासक, शक्तिशाली, शा से शर्मीला, शा से शौल, शा से शत्रु, शा से शंख। अरे वाह, शा से शाबाश। हाँ तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हर काम का शुभारंभ यानी हर काम शुरू शमीम की शहनाई से होता। शुभारंभ, शुरू। तो बच्चों एक बार वहां पर यानी उस शहर में शुक्रवार और शनिवार को एक जगह शतरंज की प्रतियोगिता यानी शतरंज का खेल होना था। शुक्रवार, शनिवार। हाँ तो पता बच्चों, सबने शमीम को बुलाया और कहा, शमीम भैया तुम्हारी शहनाई बजेगी तभी तो खेल शुरू होगा ना, आप जरूर आइएगा और शहनाई बजाइएगा। लेकिन पता बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ भैया? शमीम ने आने से मना कर दिया। भैया उसे बुखार था। नहीं बच्चों, नहीं। क्यों मना कर दिया? अरे यही तो नहीं मालूम भाई। तो बच्चों सबने उसे बहुत समझाया, बहुत मनाया उसे और कहा, देखो शमीम, अरे बड़े बड़े शक्तिमान विदेशी मेहमान भी आएंगे, अरे उनका अपमान मत करो भाई, अपनी शहनाई बजा दो भैया।
लेकिन वो तो आने को तैयार ही नहीं हुआ। क्या वो टूट गया था? नहीं नहीं, उसकी शनाई खो गई थी। नहीं, कोई भी नहीं थी। तो पता है, तब शमीम लोगों से बोला, देखो भाइयों, मैं मानता हूं कि यही शिष्टाचार है कि मैं शहनाई से सबका स्वागत करूं। श से शिष्टाचार। शाबाश, श से शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब तमीज का व्यवहार। श से शरबत। भैया, मुझे शरबत बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है, शरबत तो मुझे भी अच्छा लगता है। और श से शिकंजी भी तो होती है। मैं दो दो गिलास एक साथ पी जाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। श से शिकारी। श शर्म। श से शर्म। शाबाश। श से शेर। शेरनी। शक्तिमान। शक्ति। शुभरात्रि। शंभु। वाह, शाबाश। तो बच्चों, फिर शमीम बोला, देखो भाइयों, मैं शहनाई बजाने को तैयार हूं, लेकिन आजकल परीक्षाओं के दिन हैं, बच्चे शांति में ही पढ़ सकते हैं, और तुमने इतने सारे लाउडस्पीकर लगा दिए हैं कि मेरी शहनाई से उनको परेशानी होगी। अब कोई रोगी हुआ तो फिर उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अरे हाँ, उसकी तो शामत ही आ जाएगी। बहुत बढ़िया, शा से शाम। शाबाश भैया, उसी बात पर जोरदार तालियां, निशान के लिए तालियां। शा से शाबाशी। शा से शाबाश। शाबाश। शा से शोर। शा से शक्ति। शा से शत्रु। शा से शांति। शा से शांति। वाह, क्या बात है। और शोर से तो नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। ये हमारे स्कूल में भी बताया था। अरे वाह, नॉइज पोल्यूशन के बारे में भैया हमें शोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बच्चों, शमीम को ये सब मालूम था कि शोर से हमारी सुनने की शक्ति पर असर पड़ता है, इसीलिए वो शहनाई बजाने से मना कर रहा था। तो बच्चों, शमीम ने कहा, भाइयों, शौक में या शान में इस तरह शोर मचाना ठीक नहीं है। शहनाई तो किसी उत्सव, किसी त्योहार की शोभा होती है। शोर मचा मचा कर हम बेकार में इतनी प्यारी शहनाई से भला दुश्मन क्यों बनाए? हाँ, अरे हमें तो दोस्त होना चाहिए, शत्रु नहीं। समझे? शा से शत्रु। शाबाश। शा से शोर। शा से शहनाई। शा से शोभा। शा से शोर। तो इस तरह शमीम ने शतरंज वालों को समझाया कि शोर मचाना ठीक नहीं है। तो सबको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने लाउडस्पीकर हटा दिए। हटा दिए। शाबाश। सर में दर्द भी नहीं होता। अब सर में दर्द भी नहीं होता। और बच्चे डिस्टर्ब भी नहीं होते। अब बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है। काम से भी पढ़ते हैं। आराम से पढ़ सकते हैं। शाबाश। कान भी खराब नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने। पर्दे भी नहीं फटते। अब कान के पर्दे भी नहीं फटते। कान में दर्द भी नहीं होता। शाबाश। सर में दर्द भी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। अब शोर भी नहीं होता। शाबाश। और बिना लाउडस्पीकर के ही बड़ी शान से फिर से बजने लगी शमीम की शहनाई। कलाकार शमीम ने शहर में सच बड़ी कमाई। कलाकार शमीम ने शहर में सच बड़ी कमाई। हर शुभ काम से पहले उसकी बजती है शहनाई। शसे होता है शमीम शुभ शहर और शहनाई। शासक शक्तिशाली हो या हो मामूली शायर, शादी स्वागत उत्सव हो शहनाई बजे वहाँ पर। शासे शासक शक्तिशाली, शासे शादी, शासे शायर। खेल का होना
शतरंज का शुक्रवार शनिवार वर्षा में शामिल होने को नहीं हुआ तैयार। शस्त्र शामिल शतरंज शुक्रवार शनिवार शक्तिमान शुभारंभ शहनाई से कर दो मत करो अपमान। शास्त्री शुभारंभ और शहनाई शक्तिमान कहे शमीम शिष्टाचार है बजे मेरी शहनाई लेकिन शर्म की बात किसी की अगर शिकायत आई। शिष्टाचार शर्म शिकायत और शहनाई बच्चे पढ़ते शांति में रोगी की शामत आई लाउड स्पीकर में बन जाती शोर ये शहनाई। शसे होता शामत शोर शांति और शहनाई कहे शमीम चौक शान में शोर मचाना ठीक नहीं है भाई शत्रु नहीं तुम दोस्त बनाओ शोभा है शहनाई। शस्त्र शोभा शान शत्रु शौक और शहनाई मचाना ठीक नहीं ये बात समझ जब आई बिना लाउड स्पीकर बजी शान से शहनाई। ये शमीम की शहनाई ये शमीम की शहनाई से शमीम की शहनाई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा नमन निशांत लवीश सोफिया चारू नीरू हरियक्ष महमूद और रहमान। संगीतकार हरभजन सिंह। शहनाई वादक लोकेश आनंद। गायन स्वर नेहा वत्स संजय भटनागर रक्षित थपलियाल हरप्रीत कौर शालिनी सिंह और अनुश्री। ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। गीत आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।